वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट उसका पार्ट 5 जो है आखिरी पार्ट ये है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज द ग्रुप ऑफ टेक्निक विच क्विकली अट्रैक्ट द कस्टमर एंड रिजल्ट इनटू सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जल्दी से, और रिजल्ट ये आता है कि अपनी चीज़ें जो है वो सेल हो जाती है। नेक्स्ट उसमें डेफिनेशन आ रही है, तो कॉटलर के हिसाब से अगर बात करें तो प्रमोशन मतलब कि सेल्स प्रमोशन जो है एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है दैट इंकरेज द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब वही कस्टमर को इंकरेज या तो अट्रैक्ट हम बोल सकते हैं इंकरेज करती है जिससे कस्टमर जो है वो सर्विस या तो प्रोडक्ट खरीद ले। सेल्स प्रमोशन है वो क्विक इफेक्ट ऑन द कस्टमर, मतलब कि सेल्स प्रमोशन की कस्टमर के ऊपर जल्दी इफेक्ट आती है, मतलब कि वो जल्दबाजी कर लेता है और कस्टमर जो है वो जल्दी से उसको खरीद लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो पहले हम सेल्स की बात करते हैं। यहाँ पे शायद बुक में मिस्टेक है क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर करते हैं लोअर प्राइस पे, ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली में अगर लोअर प्राइस पे ऑफर करेंगे तो लॉस होगा ना, एक्चुअल प्राइस जितनी होगी उससे हमें ज़्यादा प्राइस में बेचना होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर किया जाता है लोअर प्राइस पे, तो उसको हम सेल कैसे बोल सकते हैं? मतलब कि एक गलती है, यहाँ पे मोर प्राइस आना चाहिए, मतलब कि लोअर नहीं आना चाहिए। ओके, तो याद रखना। दूसरा, डिस्काउंट, जब एक्चुअल प्राइस जो है चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट की वो ओरिजिनल प्राइस से कम होती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो हाँ, ये डेफिनेशन सही एकदम हो रही है। जब हम जितनी प्राइस लिखी है जैसे कि 100 रुपये लिखे और हमें कंपनी 100 मतलब कि 90 रुपये में दे रही है, 10 रुपये कम ले रही है, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं 10% डिस्काउंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट कूपन। कस्टमर्स आर टोल्ड टू ब्रिंग द कटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑन विच दे आर गिवन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑन देयर परचेसिंग। मतलब कि यहाँ पे कूपन की बात होती है, वो जब भी कस्टमर कंपनी या तो शॉप पे आएगा तो उसको एक कटिंग का टुकड़ा जो होगा एडवर्टाइजमेंट का वो लेके आना है, जिससे उसको थोड़ा डिस्काउंट या तो फ़ायदा मिल जाएगा और ये उसके मॉनिटरी बेनिफिट्स में रहेगा, मतलब मनी के फॉर्म में यहाँ पे उसको फ़ायदा मिलेगा या तो कोई दूसरी ऑफर मिलेगी, तो उसी को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कूपन। नेक्स्ट स्लाइड में और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे सेल्स प्रमोशन टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ रहा है गिफ्ट, मतलब कि कभी कभी स्मॉल गिफ्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में एडिशनल गिफ्ट, लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर फ्री एडिशनल गिफ्ट आर गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। मतलब कि मेन प्रोडक्ट के साथ में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट वाला गिफ्ट दिया जाता है, जैसे कि टूथब्रश है उसको टूथपेस्ट के साथ दिया जाता है। और वैसे ही पता ही है कि कस्टमर जब टूथपेस्ट ले रहा है तो उसको टूथब्रश खरीदना पड़ेगा, तो टूथब्रश ले रहा होगा तो टूथपेस्ट खरीदना पड़ेगा। तो ये दोनों एक म्यूचुअल रिलेशन वाली प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को और ज़्यादा कहीं पर भटकना ना पड़े इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही हमेशा ऑफर दे के कस्टमर को दिया जाता है। नेक्स्ट है उसमें पॉइंट है लकी ड्रॉ। इसमें क्या होगा कि कस्टमर जो है उसको एक कूपन दिया जाएगा, उसमें एक पर्टिकुलर कोड लिखा होगा और पर्टिकुलर जब दिन आएगा तब उसको ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर उसी कोड में जो उसके पास होगा वही कोड अगर प्राइज में निकलता है तो वो जीत जाएगा, मतलब कि वो विनर बन जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ आजकल बहुत जगह पे हमें दिखाई देते हैं, जब गांव में भी ये बहुत जगह पे ये देखने को मिलता है, मेले में देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे शॉप पे भी ये लकी ड्रॉ होता है। और साथ में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन। द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज द कंपटीशन इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज न्यू प्रोडक्ट। हमेशा प्रोड्यूसर जो है वो ऑर्गेनाइज करता रहता है क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में खड़ा है ना, इसलिए उसको अपनी न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पब्लिसिटी। तो यहाँ पे कंसेप्ट उसका बताया है कि कोई भी टाइप का जो पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, गुड सर्विस या तो कोई एक आइडिया होता है, मैं उसको हम पब्लिक मीडिया के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं वो भी फ्री ऑफ चार्ज में, तो उसको बोलते हैं पब्लिसिटी। नेता, क्रिकेटर्स, एक्टर्स जो है पब्लिसिटी स्टंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता है कि पिक्चर कोई कभी कभी ऐसी आती है जिसको देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, तो भी लोग उसका व्यू, उसका रेटिंग ये बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पब्लिसिटी स्टंट जो है एक वही काम आता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है रोल ऑफ पब्लिसिटी, मतलब कि पब्लिसिटी जो है उसको एक मोस्ट रिलायबल टूल बोला जाता है प्रमोशन मिक्स में, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है और प्रोड्यूसर को ये पसंद भी है, इसलिए पहले वो पब्लिसिटी स्टंट वो हमेशा करने के लिए बोलेगा। फॉर पब्लिसिटी द कंपनी हैज़ नॉट टू पे एनीथिंग, देयरफॉर इट इज़ अ चीपेस्ट प्रमोशन टूल। हमें पता है कि पब्लिसिटी अगर कहीं पर करनी है, पब्लिसिटी स्टंट करना है, तो वो चीपेस्ट तरीका है, सस्ता तरीका है, इसलिए कोई भी कंपनी उसको पहले अपनाएगी। हमने देखा था एक मूवी आई थी सुई धागा, तो उसमें वरुण धवन है वो अहमदाबाद में आके सिर्फ साइकिल चलाता है और घूमता है उतने एरिया में जहाँ पे मतलब कि उसको 5 किलोमीटर चलना है, और साइकिल लेके पीछे जो उसकी हीरोइन है वो बैठ जाती है। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें कोई उसने ज़्यादा खर्चा किया नहीं, सिर्फ साइकिल चला दी और उसका जो व्यू इतना बढ़ गया कि
वो मूवी जो है वो सभी लोगों ने उसकी देखी। समटाइम पब्लिसिटी इंक्लूड द टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशन इन विच मार्केटिंग मैनेजर कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन विथ लेस एफर्ट्स। कभी कभी हमें पब्लिक रिलेशन बनाने पड़ेंगे पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग मैनेजर हमें गाइड करेगा कि कैसे ये करना है, वो भी लेस एफर्ट के साथ हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन कैसे बनाना है कंपनी को वो यहाँ पे बताया गया है। कंपनी मेक अ यूज ऑफ द पब्लिक रिलेशन फॉर द मेंटेनिंग इट्स प्रेस्टिज। हमेशा कंपनी जो है अपना मान सम्मान के लिए पब्लिक रिलेशन बनाती है और उसको मेंटेन भी करती है, मतलब कि वो दान दक्षिणा जो है वो सोसाइटी समाज को देती रहती है। कहीं कहीं पर आफत आती है तो तब भी वो अपना डोनेशन हो है वो देती है। और यहाँ पे उसके बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ बताई गई है वो हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक्टिविटी बताइए कि गिविंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर अबाउट कंपनी। कंपनी को हमेशा अपना न्यूज़पेपर अपना नाम जो है वो छपवाना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिसिटी स्टंट बनता है, लोग उसके बारे में जानते हैं और एक भरोसा भी बैठ जाता है लोगों को कि ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है। पब्लिशिंग द स्पीच ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी स्पीच जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं पर देखने को मिलनी चाहिए, पब्लिशिंग होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, उससे कंपनी की जो रेटिंग है बढ़ती है। प्लानिंग एक्टिविटी लाइक सेमिनार, वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन और स्पॉट एक्टिविटीज़, मतलब कि कंपनी में भी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ काम करना ही नहीं होता है, साथ में सेमिनार, वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट एक्टिविटी, खेलना कूदना भी होता है, कहीं कहीं पे तो कंपनी में योगा भी करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर न्यूज़ लेटर ऑफ कंपनी, मतलब कि यहाँ पे जो कंपनी है उसका न्यूज़ लेटर भी है वो सर्कुलेट होता रहना चाहिए, जिससे कंपनी का एक पब्लिक रिलेशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ द पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे पब्लिक रिलेशन जब बनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे पहला है कि मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ ऑडियो विजुअल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग गुड इमेज ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को अच्छी इमेज बनानी है तो उसको ऑडियो विजुअल मीडिया जो है दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए और मेंटेन भी करने चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह आ रहा है कि कभी कंपनी जब है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है, तब उसको मार्केट में कस्टमर को अवेयरनेस देनी चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम करने चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में बतानी चाहिए, जिससे ये अभी काम ऑफिशियली होना चाहिए और इससे कस्टमर जो है उसके बारे में जान पाए और एक भरोसा भी उनको आ जाए और कस्टमर जो है ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। तीसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का न्यूज़, एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट, कंपनीज अचीवमेंट, अवार्ड्स है, प्राइज़ है कोई कंपनी की या तो उसके कोई मेंबर की, या तो कंपनी के न्यूज़पेपर है, मैगजीन जो है उनको हमेशा पब्लिश करना चाहिए, जिससे एक कंपनी की अच्छी इमेज जो है समाज के सामने जो है वो सामने आती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व विद इन द कंपनी कैन कम टू नो अबाउट द कंपनीज फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी बाय गिविंग डायरेक्टर स्पीच ऑन डिफरेंट मीडिया। मतलब कि यहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर है उसको उसकी जो स्पीच है उनको जितनी भी पार्टी कंपनी के साथ जो काम करती है इन्वॉल्व होती है उनको कंपनी की फ्यूचर में क्या योजना है उसके बारे में उनको भी बताना चाहिए, जिससे उनको थोड़ा ट्रस्ट बैठे, भरोसा आए और वो प्लानिंग करे कि कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अभी कितना करना है। फिफ्थ पॉइंट उसमें यह है कि बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटी एंड कल्चर प्रोग्राम सोसाइटी कैन बी इन्फॉर्म अबाउट द कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे जब भी सोशल एक्टिविटी कोई कंपनी करती है या तो कल्चर प्रोग्राम करती है तो उसमें कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को इसके बारे में बताए, उससे एक गुड इंप्रेशन बनती है कंपनी की जो समाज के सामने खड़ी करने में, मतलब अच्छी इमेज खड़ी करने में जो बहुत सारी कंपनियों को वक्त लगता है वो जल्दी से खड़ी होगी। नेक्स्ट उसमें आ रहा है पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ सच एज मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, रिपेयर ऑफ रोड्स, हेल्थ चेकअप, ट्री प्लांटेशन कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन द सोसाइटी एंड क्रिएटिंग द सोशल इमेज ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को पब्लिक रिलेशन अच्छा बनाना है तो उसको दूसरी एक्टिविटी भी साथ में करनी चाहिए, जैसे कि रोड को रिपेयर करना चाहिए, हेल्थ चेकअप करना चाहिए, गार्डन को मेंटेन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी वो साथ में कंपनियां करती है जो अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इफ्को है यहाँ पे, TCS है, तो उनको पब्लिक रिलेशन जो है टाटा कंपनी है राइट, तो ये सभी कंपनियां ऐसी है कि इनको अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा डोनेशन भी इसका देखने को मिलता है क्योंकि ये कंपनी जो है एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाना चाहती है। तो ये था यहाँ पे चैप्टर यह खत्म होता है। और दूसरी बात कि आपको व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने देखा टोटल उसकी 5 स्लाइड है टोटल, ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा लेसन है, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।